या इसका आपने कभी ऐसे इल्यूजन्स को देखा है जिन्हें देखने के बाद आपकी आंखें भी धोखा खा जाए। जैसे इसी 3D ड्रैगन को देख लीजिए, जो कि एक ऐसा ड्रैगन है जिसके सामने आप जिधर भी चलते जाएंगे ये आपकी तरफ ही देखता रहेगा। तो अब आप इसके बारे में सोच रहे होंगे कि भाई ये कैसा इल्यूजन है, तो इसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताता हूँ। अब गाइस इसी इल्यूजन को देख लीजिए, जहाँ पर ये बॉल लकड़ी के ऊपर रखने के बाद नीचे गिरने की वजह ऊपर की तरफ चली जाती है। अब गाइस ये कुर्सी देखने के बाद आपको एक साधारण सी कुर्सी लग रही होगी, लेकिन जब इसी कुर्सी के ऊपर एक व्यक्ति आकर बैठता है तो फिर तो इस कुर्सी का डिजाइन ही बदल जाता है। आखिर ऐसे इल्यूजन्स क्रिएट कैसे किए जाते हैं, इसके बारे में मैं आपको आज की इस वीडियो में बताता हूँ। तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी को बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को, अनबिलीवेबल इल्यूजन्स इन द वर्ल्ड, जिसमें सबसे पहली वीडियो है जहाँ पर आपको हवा में कुछ छोटी बड़ी बॉल्स लटकी हुई नजर आ रही होंगी। इन सभी लटकी हुई बॉल्स को ऐसे नॉर्मली देखने पर तो ऐसा दिखाई देता है जैसे कि ये एक डिजाइन के लिए लटका दी गई हो, लेकिन जब इन सभी बॉल्स को एक स्पेसिफिक एंगल से देखा जाता है तो इन सभी बॉल्स से कुछ न कुछ आकृति जरूर बनी होती है। जैसे इन बॉल्स से एक लेडीज का फेस और गन की डिजाइन तक को बनाया जा सकता है, और इतना ही नहीं, आप लटकते हुए गोल्डन बूट से एक खिलाड़ी का फिगर भी बना सकते हैं, जैसे कि आप अभी इस वीडियो में देख ही रहे हैं। अब गाइस नेक्स्ट वीडियो है जहाँ पर इन बॉल्स को जब इस लकड़ी के ऊपर रखा जाता है तो ये बॉल्स जमीन पर गिरने की बजाय ऊपर की तरफ कैसे चली जाती है। वैसे देखा जाए तो ये बॉल्स तो ग्रेविटी के नियमों के खिलाफ चल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है जिसे हमारी आंखों को धोखा देने के लिए बनाया गया है। इसकी सच्चाई तो कुछ और ही है, जैसा कि आप अभी इस वीडियो में देख ही रहे हैं। इस इल्यूजन की डिजाइन ही कुछ इस तरह की है जिससे ये छोटी छोटी बॉल्स नीचे गिरने की बजाय ऊपर की तरफ चली जाती है। अब गाइस इसी ऑप्टिकल इल्यूजन को ही देख लीजिए, जो कि आपके सामने ये एक कुर्सी रखी हुई है जिसे नॉर्मली देखने पर लग रहा है कि इस कुर्सी के सामने की तरफ ही बैठा जा सकता है, लेकिन जब ये व्यक्ति इस कुर्सी के ऊपर बैठता है तो ये कुर्सी तो पीछे की तरफ सीधी होती है। आखिर ऐसा हुआ कैसे? तो जब आप इस कुर्सी की असली डिजाइन को देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ये कुर्सी हमें सीधी क्यों दिखाई दे रही थी, लेकिन एक्चुअल में इस कुर्सी पर पीछे की तरफ से बैठा जा सकता था। अब गाइस इसी 3D ड्रैगन को देख लीजिए, जिसे देखने पर लगता है कि भाई ये एक रियल लाइफ ड्रैगन है, क्योंकि इस ड्रैगन को आप जिस भी एंगल से देखेंगे आपको ऐसा ही लगेगा कि ये ड्रैगन आपकी ही तरफ देख रहा है, लेकिन एक्चुअल में जब आप इस ड्रैगन को छुएंगे तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। इस 3D ड्रैगन को आप अपने घर पर भी बना सकते हैं, बस आपको कुछ पैटर्न फॉलो करते हुए इस पेपर को फोल्ड करना होगा, उसके बाद ये 3D ड्रैगन आपका बन के तैयार हो जाएगा। अगर आप ये वीडियो देखकर घर बैठे ये 3D ड्रैगन बनाने का ट्राई कर रहे हैं और अगर आपसे ये ड्रैगन बन जाए तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अब गाइस आप सभी लोगों ने इंटरनेट पर मैजिक वाली वीडियोस तो जरूर देखे ही होंगे, लेकिन आपको उन वीडियोस में किस तरह से कंफ्यूज किया जाता है वो आप अभी देख लीजिए। जैसे इस वीडियो में यह व्यक्ति अपने मुंह में अपनी उंगली घुसा लेता है, तो इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए सबसे पहले यह आर्टिस्ट अपने मुंह में पहले से ही एक नकली उंगली को रख लेता है, उसके बाद जैसे ही यह इस ट्रिक को करता है तो इस वीडियो को देखने पर यह कुछ इस तरह से दिखाई देती है। ऐसे ही ये आधे कटे हुए ग्लास में रेड वाइन को कर लेता है और उसे एक कांच के ग्लास में कुछ इस तरह से छिपा देता है, उसके बाद एक छोटे से ग्लास से जब इस बड़े से ग्लास के अंदर रेड वाइन को किया जाता है और फिर उसके बाद यह आर्टिस्ट इस ग्लास के ऊपर कुछ जादू करने की एक्टिंग करता है, और फिर जैसे ही यह रेड वाइन जब इस छोटे से ग्लास के अंदर डाली जाती है तो फिर ये ग्लास पूरी तरह से भर जाता है और उसके बाद एक्स्ट्रा ग्लास भी भर जाता है। ऐसा ये मैजिक इस आधे कटे हुए ग्लास की वजह से हो पाया। अब गाइस कुछ लोग अपनी आर्ट को इतने आगे लेकर चले जाते हैं कि उनकी आर्ट देखते हुए लगता है कि भाई ये तो एकदम ही रियल है। अब गाइस इसी लड़की को देख लीजिए, जो कि अपने होंठ ऊपर लिपस्टिक लगा रही है, लेकिन आप अपनी आंखों से जिसे लिपस्टिक समझ रहे हैं ये कोई लिपस्टिक नहीं बल्कि इसी आर्टिस्ट की एक उंगली है। गाइस इस तरह की आर्ट से भी लोगों के अंदर एक भ्रम पैदा किया जाता है जिससे लोगों को इस वीडियो को देखने के कुछ समय के बाद कि ये सही में लिपस्टिक नहीं बल्कि एक उंगली थी। ऐसे ही उंगली से ही ये मेकअप आर्टिस्ट कई तरह के इल्यूजन्स को भी बना लेते हैं। अब गाइस ये एक होटल की गैलरी को देख लीजिए, जिसे देखने पर लग रहा है मानो कि इस गैलरी में ये गड्ढों को बनाया गया हो, लेकिन एक आर्टिस्ट के द्वारा टाइल्स की मदद से इस इल्यूजन को बनाया गया है, और जो भी इन टाइल्स के ऊपर से निकल कर जाता है वो इसी भ्रम में फंस जाता है कि कहीं ये गड्ढा तो नहीं है। तो गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ एक ऐसे ऑप्टिकल इल्यूजन को जिसे देखने के बाद आपका दिमाग घूम जाएगा। जैसे आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये चार खोखले बॉक्सेस सीधे खड़े हुए हैं, लेकिन जब इनके बीच में एक पाइप को डाला जाता है तो इनकी असली सच्चाई नजर आती है। इन खोखले बॉक्सेस को एक दूसरे से क्रॉस करके लगाया गया है। अब गाइस इसी ऑप्टिकल इल्यूजन को देख लीजिए, जो कि ये सीसी में देखने पर तो गोल सर्कल में दिखाई दे रहे हैं लेकिन एक्चुअल में ये स्क्वायर शेप में है, लेकिन जब आप इन्हें चेंज कर देंगे मतलब कि स्क्वायर से जब आप इन्हें गोल कर देंगे तो ये सीसी में स्क्वायर शेप में दिखने लगेंगे। गाइस इस ऑप्टिकल इल्यूजन
को आप कैसे सॉल्व करेंगे? अगर आप कर सकते हैं तो भाई मुझे भी नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। अब गाइस इसी जीप को देख लीजिए, जो कि देखने में आपको एकदम ही रियल जीप की तरह लग रही होगी, लेकिन सच्चाई तो ये नहीं होगी, ये तो हम सभी को ही पता है। तो इस तरह की जीप को कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से बनाया गया है। ऐसे ही इस वीडियो को देख लीजिए, जिसके दांतों में बहुत सारे कीड़े लगे हुए हैं, तो इस वीडियो को भी कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से ही बनाया गया है। गाइस ये एक जो मोंटी नाम का आर्टिस्ट साइंस की मदद से कुछ बेहतरीन स्कल्पचर्स बनाता है। एग्जाम्पल के लिए आप स्क्रीन पर इस वीडियो को देख ही रहे हैं, जिसमें द बीटल्स के सारे मेंबर्स के फोटोज बिल्कुल परफेक्टली डिजाइन किए हुए हैं। और गाइस हम लोग इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इस तरह की आर्ट बनाने के लिए कितनी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स और कैलकुलेशंस करने पड़ते होंगे, और इस तरह के पोर्ट्रेट बनाने के लिए सालों की मेहनत लग जाती होगी। अब गाइस इसी ऑप्टिकल इल्यूजन को देख लीजिए, जहाँ पर एक रूबिक क्यूब को डिजाइन किया गया है और इसके बैकग्राउंड को और इस रूबिक क्यूब को कंटिन्यू मूव किया जा रहा है। तभी इसे देखने पर कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये हो कैसे रहा है। लेकिन गाइस इस रूबिक क्यूब को बस एक पेपर के द्वारा डिजाइन किया गया है, वो भी कुछ इस तरह से, और ये फ्रंट से देखने पर बिल्कुल ही एक स्क्वायर रूबिक क्यूब की तरह दिखाई दे रहा है। गाइस जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था कि छोटी बड़ी बॉक्स को लटकाकर कुछ न कुछ आकृति को बनाया जा सकता है, ठीक वैसे ही रूम में पड़े हुए कचरे से कुछ इस तरह की डिजाइनें भी बनाई जा सकती हैं। अब गाइस इसी मेकअप आर्टिस्ट को देख लीजिए, जो कि अपने फेस पर कुछ 3D क्यूब्स डिजाइन करती है, और इसका ये मेकअप कंप्लीट हो जाने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई देती है। वैसे गाइस आपको इन सभी ऑप्टिकल इल्यूजन में से सबसे बेस्ट इल्यूजन कौन सा लगा? और गाइस स्क्रीन पर दिख रहे इस पिक्चर में कुछ लिखा हुआ है, ये भी एक इल्यूजन इमेज है जिसे कुछ ही लोग पढ़ पाते हैं। अगर आपने इसे सही से देख लिया है कि इस पिक्चर में क्या लिखा हुआ है, तो भाई मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।